हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू ब्लॉग माय को। चलो चलो चलो, जैसे नाना जी ने बोला, हेलो गाइस, बैक टू माय न्यू ब्लॉग विद सो हे गाइस, वेलकम बैक। देख मैं सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद न्यू ब्लॉग गाइस। तो जैसे कि आज है 2 सितंबर और आज कोटद्वार में सिंधुली मेले का महोत्सव भी है, जहाँ काफी बढ़िया इंतजाम हो रखा है। लेकिन हम इस टाइम है कोटद्वार के मार्केट में। तो गाइस, मैं मम्मी को छोड़ने आया था मार्केट, ठीक है। तो फिलहाल अभी कोटद्वार का मार्केट काफी शांत हो रखा है। अब कुछ देर में यानी कि 9, 9:30 बजे के बाद काफी रश होने वाला है, क्योंकि आज सिद्धबली मेला है, ठीक है। तो गाइस, तो आज तो हम सिद्धबली मेला जा नहीं रहे हैं। जिसने सिद्धबली मेला का ब्लॉग नहीं देखा होगा तो मेरे पीछे जाके मेरे एक ब्लॉग चेक करना, उसमें सिद्धबली मेले का मैंने एक ब्लॉग डाला था बढ़िया वाला, तो चेक करना प्लीज, उसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी कर ही देना। तो फिलहाल आपको वेरी गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज है 2 सितंबर और आज सितंबर सॉरी दिसंबर आज है 2 दिसंबर। तो फिलहाल आज है हमारी छोटी दीदी की एनिवर्सरी, जिसके ये हम अभी सुबह मार्केट भी आए थे, मम्मी को छोड़ भी लिया और जो सामान उठाना था वो उठा भी लिया, ठीक है। तो फिलहाल अब चलेंगे घर और आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो फिलहाल अभी निकलते हैं घर, क्योंकि पुलिस पुलिस वाले आने वाले हैं। तो फिलहाल हमें गाड़ी उठाने के लिए बोलेंगे, इससे पहले हम खुद ही हैं। तो फिलहाल मारो सेल और चलो गाइस, गाड़ी घुमा लिया हमने स्टेयरिंग, हम एक हाथ से ही चला लेते हैं गाड़ी, ठीक है। फिलहाल इस रास्ते निकलेंगे घर के लिए, मिलते हैं आपको घर में जाके, ठीक है। कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यार मौसम का। कल नाश्ता करने के बाद घर में पहुंचने के बाद हम आ रखे हैं यहाँ, आप चेक कर सकते हो कि हम कहाँ आ रखे हैं, अपनी दीदी के साथ। तो आज है दीदी की एनिवर्सरी और दीदी हमें देने वाली पार्टी। तो आज कहाँ हो आप? सो गाइस, दीदी ने सुबह से हमें पार्टी देना शुरू कर लिया है। ये है बंटी की और इसकी एनिवर्सरी। तो क्या बोलना चाह रही है, तो कुछ बोलना चाह रही है ऑडियंस को? ऑडियंस को कौन देगा पार्टी? ऑडियंस को ये। तो गाइस, ये चेक कर सकते हो कि खारी बन टिक्की और मैंने मंगा रखे हैं अपने के लिए छोले भटूरे और इसको चाहिए कोल्ड ड्रिंक। तो गाइस, फिलहाल हम पार्टी एंजॉय कर रहे हैं और आप ये चेक कर सकते हो कि वहाँ पे से आएंगे छोले भटूरे, यहाँ पे हमारा छोटा सा ये टेबल है और यहाँ पे आएंगे कोल्ड ड्रिंक, कोक लिया और एक माजा लिया, हाँ चिल्ड। So guys, तो फिलहाल मैं अपने भटूरे का वेट कर रहा हूँ, ये तो हो गई चालू, ठीक है। तो वहाँ पे बन रहे हैं आधा, वहाँ पे बन रहे हैं छोले भटूरे। तो फिलहाल इसको करते हैं इंजॉय, देखो कैसे खा रही है अकेले अकेले। आ चुकी है कोल्ड ड्रिंक, तो ये पी रही है अपने के लिए थम्स अप, मेरी ये माजा क्योंकि मेरे को मिर्ची ज़्यादा लगती है तो ये मेरे लिए। हम अपना करते हैं वेट, ठीक है। तो आ रहे हैं अपने छोले भटूरे गर्मा गर्म, ऐसा ऐसा आने वाला है। एक छोला निकाल दे, एक भटूरा निकाल दे, अब छोले भटूरे रखेंगे यहाँ पे। तो इसको हटा, भटूरा आ चुका है और ये है छोला। छोले में इन्होंने मस्त डाल रखा है, जिन्होंने हमारे पुराने ब्लॉग देखे होंगे तो एक बारी आपको पता होगा कि मैंने यहाँ का ब्लॉग बना रखा है। तो अभी ये और मैं इन्जॉय करेंगे इसको, ठीक है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइस, हमने खा लिए छोले भटूरे और हम जा रहे हैं अपने घर। और हमारी स्कूटी है रही, तो फिलहाल हम अपनी स्कूटी स्टार्ट करेंगे फिर निकलेंगे। सो गाइस, फिलहाल हमने ले लिया अपने टिक्की विक्की सब, दीदी पीछे है और हम भूल गए थे कि हमारी स्कूटी एक्सीलेटर का ब्रेक दबा रखा था, ये दबा रखा है पीछे ना गिरे। और आप चेक कर सकते हो कि हम अपनी स्कूटी भूल चुके थे वहाँ पे, कि हमारी स्कूटी भी है। तो फिलहाल हम चल रहे हैं, ब्रेक छोड़ दे बहन, ब्रेक छोड़ दे, मैंने स्कूटी चला रहे हैं। तो फिलहाल थोड़ा बहुत रिस्क तो है लेकिन कोई बात नहीं। तो फिलहाल हम आप जा रहे हैं घर की तरफ और ये मेरा सपोर्टिंग स्टाफ है। फिलहाल हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, फिलहाल चलते हैं। फिलहाल हमें रेड लाइट में, आप चेक कर सकते हो कि ये रेड लाइट है और दीदी जा रखी है वहाँ क्वालिटी वाले में भैया के लिए चाउमीन पैक कराने के लिए, ये सब करा रखा है पैक। ये किसके लिए है, ये किसके लिए, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन हम अपनी बाइक स्कूटी भूल गए थे उस शॉप के बाहर और हम सीधे सीधे आगे के लिए निकल गए थे। तो फिलहाल हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि आज दीदी की एनिवर्सरी थी। तो फिलहाल शाम को देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको मार्केट ला रखा था, हमने काफ़ी चीज़ें ली हैं सामान की जो हमें ज़रूरत थी शाम के लिए। तो फिलहाल वो वहाँ जा रखी है, आप चेक कर सकते हो बोरी, तो वो चेक पैक करवा रही है भैया के लिए सामान। तो फिलहाल मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, तब ये आएगी तो फिर मैं इसको सीधा घर छोड़ूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।
सो गाइस फिलहाल हम शाम को मार्केट से आने के बाद घर में, और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अब कुहू। सो गाइस ये कुहू है, और कुहू आपको बताएंगी कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको सबको बता लिया है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो कुहू जल्दी से बताओ ऑडियंस को। नहीं नहीं दो मिनट पहले आप एक बार अपने तरीके से व्लॉग शुरू करो, जैसे मैं करता हूँ, जैसे आप करते हो। जल्दी बोलो। मैं तो व्लॉग ही नहीं करती। तो आप मेरे साथ करते हो ना व्लॉग, वो करके दिखाओ आप। हेलो गाइस बोलते हैं आप। देखो जैसे नाना बोलेंगे। नाना चलो। हेलो गाइस। नहीं पूरा बोलो पापा। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। विद न्यू व्लॉग। माय को। चलो जैसे नाना जी ने बोला। So hey guys, welcome back. देख मैं सिखाता हूँ ऐसे बोलना। देखो so hey guys, welcome back to my YouTube channel with new vlog guys. तो ऐसे बोलना है कु। So guys, अभी कुहू छोटी है तो इतना बहुत है भाई तेरे लिए। चलो आप कहाँ जा रहे हैं बताओ फटाफट, आओ जल्दी जल्दी, आगे आओ आगे आओ आगे आओ। कहाँ जाना है? आज मेरी बर्थडे का एनिवर्सरी है, तो मैं होटल में बर्थडे मनाने जा रही हूँ। वेरी गुड। सो गाइज कुहू मेरे साथ है, ये मेरी भांजी छोटी, लेकिन ये बहुत कुछ सीख गई है, काफी अच्छे अच्छे तरीके सीखे वीडियो बनाने के। और बहुत जल्दी आपको कुहू का एक यूट्यूब चैनल मिलने वाला है, जिसमें कुहू बहुत सारा फन करने वाली है और काफी मस्ती करने वाली है। तो आपके बड़े मामा किधर हैं? अभी तैयार हो रहे, तो उसको तैयार होने दो। नानी भी तैयार हो रही, तो तैयार होने दो। सो गाइस फिलहाल हम आपको थोड़ी देर में मिलेंगे, जैसे सब तैयार हो जाएंगे। और क्या आ रहे हैं मम्मी, तो फिलहाल हम तैयार होकर बैठे हुए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। क्या मिलेंगे थोड़ी देर बाद? फिलहाल हम पहुंच चुके हैं जहां दीदी की एनिवर्सरी पार्टी है। मम्मी इधर है, मम्मी हेलो कर दे। मम्मी अपने केक के सामने बैठी हुई है, मम्मी की तरफ से केक है गाइस, और हमारी तरफ से क्या है? हमारी तरफ से पानी। तो गाइस मधु हेलो करो, इधर ससुर जी इधर है, फोटो खींच रहे हैं अपने फोन में, पापा, और इधर है दीदी, इधर है सासू जी, सास जी ये दीदी हेलो करो, और जिया जी आपको भी हेलो। सो गाइस इनकी एनिवर्सरी है आज, तो फिलहाल दो केक ला रखे हैं हम, एक ईयर एक ही, तो उन दोनों को पकड़ा देते हैं भैया के पास। भैया इसको भी और उसको भी लगा दो भैया, हाँ दोनों को लगाना ठीक है। सो गाइस दो दो केक आ रखे हैं हमारे पास, एक मम्मी की तरफ से है और एक सास जी की तरफ से, ठीक है। तो फिलहाल अभी केक आ रहा, फिर केक दिखाते हैं आपको केक कैसा। तो गाइस फिलहाल आ चुके हैं केक वेक, दोनों केक आ रखे हैं, और ये रहे केक, दोनों केक ला रखे हैं, ये रहे, और वो है स्काई। फटाफट फटाफट लगाओ ये। हमारे चूचू केक है, और नो अभी कैंडी जगेगी, फिर करना ठीक है। तो गाइस इधर मधु है, मधु केक लाई है, कौन सा वाला केक लाई है मधु? बड़ा वाला लाई है तू। सो गाइस चलो, सो गाइस अब केक कटिंग का टाइम आ चुका है, और अब होगी केक कटिंग बढ़िया करके। टू यू हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। चुका है केक जो वहां से कटिंग करके हमारे पास आ रहा है, और हम खा रहे हैं, और मम्मी को नहीं मिला अभी, तो मम्मी थोड़ा परेशान भी हो रही है केक के लिए। नहीं हो रही है केक के लिए, नहीं हो रही परेशान कि वो हिसाब से बांटे केक इधर उधर ना फैल। तो भाई साहब कैसा लग रहा है केक खा के बताओ, ये फ्लेवर बताओ, ये वाला फ्रूट वाला कौन सा था, और वाला चॉकलेट वाला कौन सा था? ये बटर स्कॉच, उसकी प्लेट में पता नहीं चला, लेकिन ये बटर स्कॉच वाला ये है, और फ्रूट वाला ये है, कौन सा बेस्ट है? फ्रूट वाला ज़्यादा। सो गाइस इससे प्रूव हो गया कि फ्रूट वाले वेजेज वाले जो फ्रूट वाले होते केक वो खाया करो, और क्रीम वाले मत खाया करो। है मम्मी, मम्मी क्रीम वाले केक नहीं फ्रूट वाले केक खाने चाहिए ना। डिनर करने से पहले सबके साथ हम यहाँ पे हक्का नूडल्स और चिल्ली पनीर ले रहे हैं, और साथ में मम्मी भी है और सासू जी भी है। तो कैसा हो रहा है मम्मी, चिल्ली हक्का नूडल्स, सासू जी कैसा हो रहा है?
सो गाइस आज दीदी और जीजी का एनिवर्सरी है, तो फिलहाल हम पार्टी इससे शुरू कर रहे हैं एंड देन चिल्ली पनीर, फिर आपको दिखाते हैं आगे आगे होता है क्या। और भैया बांट रहे हैं हमारे, तो भैया दो पीस एक्स्ट्रा डाल देना। हाँ भैया, अपने भाई के सर्व करने का फ़ायदा यही होता है गाइस कि बड़ा भाई छोटे भाई को देखो कितना प्यार दिखा रहा है। तो फिलहाल इसको खाते हैं। फिर स्नैक्स इंजॉय करने के बाद मैं और भैया दोनों बरकरार हैं अपनी सीट में। और आज है ये मलाई, क्या कौन सी पनीर है भैया? लबाबदार पनीर, लबाबदार मिक्स वेज और दाल मखनी। और हम बैठे हुए मम्मी सासू जी वाली टेबल पे, जहाँ हम बिल्कुल शांत होकर खाना खा रहे हैं। और मम्मी भी खा रही है, मम्मी भी थक गई है स्कूल खाने के बाद, मम्मी का थकान दिख रही है। और सासू जी मम्मी जी दोनों कम खा रही हैं खाना। और भैया की प्लेट कुछ इस तरीके की है, देखो चटनी चुटनी डाल के, तो ये है। तो फिलहाल सबके सब इंजॉय कर रहे हैं और हम भी इंजॉय करते हैं, आप इंजॉय करिए ठीक है। करने के बाद हम रात का डिनर ख़त्म करने के बाद हम खा रहे हैं गुलाब जामुन गर्मा गर्म। और भैया खाना खाने के बाद मीठा क्यों खाया जाता है? ताकि जल्दी खाना पचे। सो गाइस इससे हमारा खाना पचेगा और ये काफ़ी गर्म है, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। देखो हाँ, ये चेक कर, काफ़ी बढ़िया है, एकदम मस्त है, इसको इंजॉय करते हैं। उसके बाद फटाफट घर की ओर जाएंगे। फिलहाल हम करते हैं अपना गुलाब जामुन इंजॉय। इस भाई, मेरे भाई ने तो खा भी लिया पूरा, अब मेरा यही है, आप भी अपना गुलाब जामुन खाओ। फिलहाल सबके सब डिनर विनर करने के बाद यहाँ पे फोटो सेशन चलता हुआ सबका, और टी यहाँ पे चल ही रही है, आप चेक कर सकते हो कि बढ़िया एकदम पार्टी हो चुकी है। तो फिलहाल आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक प्यार देते। मिलते हैं जल्दी से आने वाले ब्लॉग में, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले। तो फिलहाल मिलते हैं, टाटा बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय गाइस।